दोस्तों नमस्कार, मैं रमु सिंह। लाडली बहना को भीख ना दो, आत्मनिर्भर बनाओ शिवराज। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। फ्री की रेवड़ी तो मोदी जी भी बांटते हैं और फ्री की रेवड़ी मैं भी बांटता हूँ। हमारे देश के अंदर कई और जन्म के बाद 12,000 कुल 16,000 रुपया देंगे। कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो योजना। कमलनाथ ने तो लड्डू भी छीन लिए थे। की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमु सिंह। लाडली बहना को भीख ना दो, आत्मनिर्भर बनाओ शिवराज। सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को प्रतिमा 1,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुफ्त यानी भीख। भाजपा ने देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी, बड़े बड़े वादे, उससे भी बड़े वाले दावे किए थे। लाडली बहनों को आत्मनिर्भर बनाओ शिवराज। सरकार चंद रुपए मुफ्त देकर लोगों को सरकारी भीख पर पलने की आदतें बना रही है। दो बातों से समझिए। पहली बात, सरकार आपको मुफ्त क्यों दे रही है? आपको सरकार का गुलाम बनाने के लिए? आप हमेशा सरकारी टुकड़ों पर पले, सरकारी टुकड़े पाने के लिए टकटकी लगाए देखते रहे। दूसरा, आपके आसपास कोई परिचित सांसद है क्या या विधायक? चलिए पार्षद या सरपंच तो होगा ही। कुर्सी पाने के पहले इनकी आर्थिक स्थितियां क्या थी, आज क्या है? आखिर यह लोग कौन सी ऐसी जनसेवा करते हैं कि इनके हाथों में अल्लादीन का चिराग आ जाता है? क्योंकि मैं एक ऐसे सांसद को जानता हूं जो सांसद बनने के पहले 5 रुपए रोज की दिहाड़ी मजदूरी करते थे, आज हजारों करोड़ के मालिक बन गए हैं। मैं ऐसे एक पार्षद को जानता हूं जो पार्षद बनने के पहले पूरा घर मिलकर बीड़ी बनाता था, आज लाखों रुपए ब्याज पर दे रहे हैं। मैं एक ऐसे विधायक को जानता हूं जो अपनी कमाई से 100 रुपए की स्लीपर चप्पल खरीदने की हैसियत नहीं रखते थे, आज 30-30 लाख रुपए की 4 पहिया गाड़ियां खरीद रहे हैं। आइए सरकारी भीख की गुलामी को समझें। सीएम शिवराज की घोषणाएं, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में 600 वर्ग फुट प्लाट दिए जाएंगे। पीएम आवास के मकान बनाने के लिए मुफ्त बालू दी जाएगी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शादी करने पर 55,000 रुपए दिए जाएंगे। छोटे और आदिवासी किसानों को जिंदगी भर फ्री बिजली देगी शिवराज सरकार। श्रमिक महिलाओं को गर्भवती होने पर 16,000 रुपए देगी शिवराज सरकार। पहला बच्चा होने पर प्रधानमंत्री केंद्रीय मातृत्व वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकारी अस्पताल में डिलीवरी कराने वाली शहरी महिलाओं को 1,000 रुपए, ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है सरकार। किसानों को फ्री में भैंस देगी शिवराज सरकार। हर छात्र को 15 किलो मूंग की दाल मुफ्त देगी शिवराज सरकार। 12वीं पास विद्यार्थियों को फ्री लैपटॉप, टॉप करने वाली छात्राओं को फ्री में स्कूटी। गरीब परिवार के प्रतिभाशाली बच्चों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। बेटी के जन्म होने पर 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मां को। बेटी पहली कक्षा में जब एडमिशन लेगी तब मां के खाते में 4,000 रुपए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत फ्री राशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, फ्री सिलाई मशीन योजना, 9वीं की छात्राओं को फ्री में साइकिल। अब आप सोचिए, इतनी जनता को इतना मुफ्त में देने के बाद भी जनता गरीब क्यों होती जा रही है? नेता अमीर क्यों होते जा रहे हैं? इसके क्या कारण हैं?
कुछ तो ऐसा होगा जिस कारण जनता को भीख के टुकड़ों पर पलने की आदत डाली जा रही है। हमें आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया जा रहा है? मैंने कुछ समय पहले खबर दी थी जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मैं इस बात को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी जी को यह पत्र भी लिखा हूं। इस देश में 25 साल गारंटी की सड़कों का निर्माण क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं कराया जाता है? 25 साल गारंटी वाली सड़कों का नियम बना देने से बार बार सड़कों का निर्माण नहीं कराना पड़ेगा। मेरे शहर में 3 ऐसी सड़कें हैं जो 20 साल से अधिक समय से पहले बनी हुई थी और आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। पूरे देश के इंजीनियरों को, सड़क बनाने वाले विभागों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। वह मेरे शहर आए और आकर देखें कि आखिर इन 3 सड़कों को कैसे बनाया गया है। इन सड़कों पर भारी वाहन भी चलते हैं और सड़कें यथावत हैं। ऐसे में ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगा अगर वह 25 साल गारंटी की सड़कें बनाएगा। जब ठेकेदार भ्रष्टाचार नहीं करेगा तो इंजीनियर और संबंधित विभाग के अधिकारी कमीशन नहीं ले पाएंगे। जब कमीशन की रिश्वत नहीं मिलेगी, अधिकारी ऊपर तक नहीं पहुंचाएंगे। यह तो सिर्फ सड़क बनाने का एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को। ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जो मैं एक एक करके आपको खबरों में बताऊंगा और देश के सबसे ईमानदार, दमदार, वचनदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखता रहूंगा। अब आप कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बताएं, क्या आप मेरे समाचार, मेरी इन बातों से सहमत हैं या आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों। और जन्म के बाद 12,000 कुल 16,000 रुपया देंगे। कांग्रेस ने बंद कर दी थी वो योजना। कमलनाथ ने तो लड्डू भी छीन लिए थे, लेकिन इससे भी मेरा मन नहीं माना। मेरी ये गरीब बहने जो कई बार 1,500 रुपए के लिए तरस जाती है, कई बार मायके जाना हो और पति से मांगे कि जरा 200 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे कहां से लाएं, आ गई पैसा मांगने वाली। लेकिन बहनों, बहुत दिन से मन में विचार चल रहा था कि कोई एक ऐसी योजना लाए जो गरीब बहने स्वाभिमान के साथ जी सके, स्वावलंबी हो सके, उनके हाथ में कुछ पैसा आ सके। और इसलिए विचार करते करते दुनिया में जो कहीं नहीं हुआ मेरी बहनों, वो मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया है। हमने तय किया कि जिन बहनों की आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक होगी या जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन होगी, वो बहनें किसी भी जाति की हो, किसी भी जाति की हो, उन सब बहनों को 1,000 रुपया महीना दिया जाएगा। फ्री की रेवड़ी तो मोदी जी भी बांटते हैं और फ्री की रेवड़ी मैं भी बांटता हूँ। हमारे देश के अंदर कई ऐसे अरबपति खरबपति हैं जिन्होंने बैंकों से करोड़ों, हजारों करोड़ों के लोन लिए, जब लोन वापस करने की बात आई तो उनकी नीयत खराब हो गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसे लोगों के लोन माफ कर दिए। एक आदमी का 10,000 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया, एक का 15,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया, ऐसे कर करके 10,00,000 करोड़ रुपए के लोन माफ कर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने। मैं जनता की 300-300 यूनिट बिजली मुफ्त कर देता हूँ, मैं उनके लिए अस्पताल बना देता हूँ, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि केजरीवाल रेवड़ी बांट रहा है। केजरीवाल देश बना रहा है। जब मैं अच्छे स्कूल बनाता हूँ तो देश का निर्माण होता है, राष्ट्र का निर्माण होता है। फर्क हम दोनों में, रेवड़ी हम दोनों बांट रहे हैं। वो अरबपतियों को रेवड़ी बांट रहे हैं, मैं गरीब जनता को रेवड़ी बांट रहा हूँ। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए
अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है।